फतेहपुर जिला कारागार में आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कैदियों ने आज़ादी का जश्न जोश और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची डीएम श्रुति ने खेलकूद सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कैदियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रतीक चिन्ह वितरण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला कारागार में कैदियों ने एक के बाद एक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर कैदियों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद डीएम श्रुति ने रस्साकसी, कुर्सी दौड़, छल्ला फेंक, गोला फेंक सरीखे कई प्रदर्शन करने वाली महिला कैदियों के अलावा एएम परीक्षा में उत्तीर्ण सहित कुल 56 कैदियों को डीएम ने मेडल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बकरी पालन योजना के तहत 7 कैदियों को दिए गए प्रशिक्षण से प्रसन्न होकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की। डीएम ने कहा कि जेल में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को कराया जाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाए। साथ ही कैदियों को सरकारी योजना के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे कारागार से बाहर जाकर समाज में एक आदर्श नागरिक बनकर अपना जीवन यापन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। ये दिन हमारा उन शहीदों को नमन करने का तो जरूर है, साथ ही साथ उन सबको ये उनके सामने प्रतिज्ञा करने का भी है कि हम जो उनका सपना है उसको और आगे लेकर जाएंगे, अपने देश को और आगे बुलंदियों तक लेके जाएंगे, जिससे भारत का नाम हर विश्व पटल पे सबसे ज़्यादा सम्मान के साथ लिया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंदियों और स्टाफ में गजब का जोश देखा गया। बंदियों द्वारा देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए और अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुति बहुत सुंदर थी और जो छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ रह रहे हैं उन्होंने भी बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी। बंदियों को इसके अतिरिक्त कुछ प्रमाण पत्र थे हमारे पास, जिन्होंने एमए की परीक्षा पास की है, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण लिए हैं उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं, और इसी अवधि में कुछ खेल कूद भी हुए थे उनके प्रमाण पत्र भी बंदियों को दिए गए हैं।